7.5 है। फाइंड द टॉर्क ऑफ अ फोर्स, फोर्स दिया हुआ है आपको 7i माइनस 3j माइनस 5k अबाउट ओरिजिन। ठीक है, कहाँ पे निकालना है? ये फोर्स दिया है अबाउट ओरिजिन। द फोर्स एक्ट ऑन अ पार्टिकल हुज पोजिशन वेक्टर, मतलब पोजिशन वेक्टर r वेक्टर डायरेक्ट दिया हुआ है i माइनस j प्लस k कैप। ठीक है, ये सब कैप के फॉर्म में दिए हुए हैं। तो टॉर्क आपको निकालना है। ठीक है, टॉर्क इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो सीधा सा क्वेश्चन है, इसमें तो क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर होता है। तो आर क्रॉस एफ का क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। तो आई जे के लिखेंगे, पहले 1 माइनस 1 लिखेंगे, 7 माइनस 3 और माइनस 5 लिखेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा आपको 2i प्लस 12j प्लस 10k, 2i प्लस 12j प्लस 10k के। ठीक है, अब सॉल्व आप कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। एग्जाम्पल 7.6 एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, बस उसको जस्ट हमें पढ़ना है। दिया हुआ है कि शो दैट एंगुलर मोमेंटम अभी पढ़ानी है। ठीक है, तो जब ये पढ़ लेंगे उसके बाद आपको और क्लियर हो जाएगा। शो दैट एंगुलर मोमेंटम अबाउट एनी पॉइंट ऑफ अ सिंगल पार्टिकल मूविंग विथ अ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी रिमेंस थ्रू आउट द मोशन। सो एंगुलर मोमेंटम रिमेंस कॉन्स्टेंट थ्रू आउट इट्स मोशन। ठीक है, तो अभी एक डेरिवेशन किया हुआ है इसका छोटा सा, तो इसको मैं नहीं करा रहा हूँ। ठीक है, ये जस्ट याद रख लीजिएगा, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, कांस्टेंट होता है थ्रू आउट इट्स मोशन। ठीक है, तो अभी जब एंगुलर मोमेंटम पढ़ेंगे तब उसके बारे में ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। ठीक है, एक और दिया हुआ है एग्जाम्पल 7.7 दिया हुआ है। शो दैट द मोमेंट ऑफ कपल डज नॉट डिपेंड ऑन द पॉइंट अबाउट विच यू टेक द मोमेंट। सो मोमेंट ऑफ कपल डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द पॉइंट which is taken for moment। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ कपल जो होता है वो डिपेंड नहीं करता है, किसी भी पॉइंट के अक्रॉस आप मोमेंट ऑफ कपल निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे अगर यहाँ से ये आपको इसके अकॉर्डिंग ये कपल निकालना है। ठीक, कपल निकालना है, इसका मतलब ये एक फोर्स कुछ F1 रहेगी और एक फोर्स F2 रहेगी। कपल मतलब आपका क्या होता है, टॉर्क होता है। ठीक है, जो कि दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस विद डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन के बीच में बनता है। तो आप कोई सा भी आप पॉइंट लो, O पॉइंट लो या P पॉइंट लो या कुछ K पॉइंट लो, किसी भी पॉइंट के अक्रॉस आप कपल निकालेंगे तो क्या निकलेगा, सेम रहेगा। तो पॉइंट ऑफ द एक्सिस डज नॉट डिपेंड, द पॉइंट डज नॉट डिपेंड, किसी भी पॉइंट के अक्रॉस आप क्या निकाल सकते हो, कपल निकाल सकते हो। भले ही से बॉडी आपका ऐसा घूम रहा हो इस पॉइंट ओ के अक्रॉस, बट जरूरी नहीं है कि आप ओ पे ही उसको लगाओ, आप किसी भी पॉइंट के अकॉर्डिंग क्या निकाल सकते हो, कपल फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो कुछ चीज़ें हैं जो अब एक क्वेश्चन दे रखा है 7.8 एग्जाम्पल 7.8 कुछ कुछ चीज़ें हैं डेरिवेशन की, वो मैंने डिराइव नहीं की है। ठीक है, जैसे ये स्टेटमेंट था ये भी डिराइव नहीं किया है, अब इसको डायरेक्ट आप लिख लो। ठीक है, 7.8 हालांकि आप इनको डिराइव भी कर सकते हो। इसके पहले वाला जो 7.6 था वो हमारा एंगुलर मोमेंटम का था, एंगुलर मोमेंटम अभी हमने किया हुआ नहीं है,
ठीक है। हाँ आई जे के, इसके पहले वाला था वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, 7.6 वाला, वो तो तुमको समझ गया अगर टॉर्क निकालना था आर क्रॉस एफ, अबाउट ओरिजिन फोर्स लग रहा था और टॉर्क निकालना था, ठीक है। पोजिशन वेक्टर होता है आर वेक्टर, ठीक है, तो वो पोजिशन वेक्टर कैसे निकालते हैं हम कल देखा था, अगर दो पॉइंट दिए होंगे तो उन दोनों पॉइंट का डिफरेंस निकालना पड़ेगा, और अगर डायरेक्ट दे दिया तो डायरेक्ट रख देना। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा, मेटल बार 70 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 4 किलोग्राम इन मास, तो एक मेटल बार दिया हुआ है आपको, कितना दिया हुआ है ये, 70 सेंटीमीटर लंबा दिया हुआ है मेटल बार, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की इसकी दूरी 70 सेंटीमीटर है, ठीक, लॉन्ग 4 किलोग्राम का मास है, जो मास दिया हुआ है इसका कितना दिया हुआ है, दैट इज 4 kg, मास इज इक्वल टू 4 kg एंड मास इज सपोर्टेड ऑन 2 नाइफ एजेस। अब ये ना इस तरीके से ये रॉड यहाँ पर लगी हुई है, ठीक है, जो कि कितनी दूर है, प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच एंड, मतलब हर एंड से ये कितनी दूर है, ये इस एंड से यहाँ तक कितनी दूर है, 10 सेंटीमीटर, और इस एंड से भी कितनी दूर है ये, 10 सेंटीमीटर, ठीक है, दोनों 10-10 सेंटीमीटर दूर है। अ 6 किलोग्राम लोड इज सस्पेंडेड एट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम वन एंड, किसी भी एक एंड से कितनी दूरी पर, 30 सेंटीमीटर दूरी पर आपने क्या यहाँ पर हैंग किया हुआ है, कुछ एक 6 किलोग्राम का लोड लगाया हुआ है, आ रही बात समझ में, 6 किलोग्राम का एक, सॉरी ये कितनी दूरी पर है, 30 सेंटीमीटर, ये दूरी दे रखी है आपको कितनी, 30 सेंटीमीटर, और ये कितने का लोड लगाया है, 6 किलोग्राम का, ठीक है। फाइंड द रिएक्शन ऑफ द नाइफ एजेस, आपको नाइफ एजेस है ना इनका रिएक्शन, ये नाइफ एजेस वन इसको मैं K1 बोल देता हूँ, और नाइफ एजेस टू इसको मैं बोल देता हूँ K2, जिस पे ये हैंग है इसका क्या निकालना है आपको, नॉर्मल रिएक्शन निकालना है। अब नॉर्मल रिएक्शन आपको पता है क्या होगा, इसका नॉर्मल रिएक्शन ऊपर होगा, ठीक है, R1 और ये R2, मतलब ये क्या करेंगे, एक दो नॉर्मल रिएक्शन लगाएंगे, एक R1 और एक R2, क्लियर है, इन दोनों के मास दिए हुए नहीं है, केवल नॉर्मल रिएक्शन दिया हुआ है, ठीक है, तो नॉर्मल रिएक्शन का आपको फोर्स दिया है R1 और एक R2, ये दोनों आपको फाइंड करना है क्वेश्चन में, तो यहाँ कोई दिक्कत। अच्छा, अब टोटल फोर्सेस कितने हो गए हमारे, एक तो R1, एक R2, अब ये खुद एक रॉड है, ये रॉड है, ये भी एक नीचे की तरफ एक फोर्स लगाएगी, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये कितना लगेगा, 4 किलोग्राम के अकॉर्डिंग लगेगा। अच्छा, ये 6 kg है, तो मैं इसको डायरेक्ट जी से मल्टीप्लाई कर दूँ, इसको 60 लिख दूँ, और इसको कितना लिख दूँ, 40, है ना, हम यहाँ पर जी इज इक्वल टू कितना ले रहे हैं, 10 m/s² ले रहे हैं, ठीक है, इसमें कोई समस्या। अब आपको क्या निकालना है, R1 और R2, मतलब आपके पास दो अननोन है, तो आपकी इक्वेशन भी कितनी बनेगी, 2 इक्वेशन बनेगी, ठीक है, तो एक इक्वेशन तो आपकी क्या बनती है, अच्छा पूरा सिस्टम किसमें है, इक्विलिब्रियम में, पूरा सिस्टम किसमें है, इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम में मतलब कोई छेड़छाड़ नहीं हो रही, बस ऐसा रखा हुआ है, तो नेट फोर्स जीरो, एफ नेट जीरो रहेगा, और साथ साथ क्या जीरो रहेगा, नेट टॉर्क भी क्या रहेगा, जीरो रहेगा, सिस्टम विल बी इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है, तो नेट दोनों इसको स्टैटिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन कहते हैं हम, जिसमें ट्रांसलेशनल और रोटेशनल इक्विलिब्रियम दोनों मौजूद रहेंगे, ठीक है। चलो, लगने वाले टोटल फोर्सेस कितने हैं, 4, 1, 2, 3, 4, 2 ऊपर है और 2 नीचे की तरफ है, तो क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 माइनस 60 माइनस 40 इज इक्वल टू कितना, नेट फोर्स कितना होता है, 0, ठीक है, तो R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 100 एक इक्वेशन बन गई, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू क्या हो गया, 100, कोई परेशानी है यहाँ पे,
ठीक है, आर वन प्लस आर टू इज इक्वल टू 100। अब एक और क्या बनेगी इक्वेशन हमारी, ये तो ये हमारी इक्वेशन किसके लिए बनी, एफ नेट इज इक्वल टू 0 के लिए बनी। अब एक इक्वेशन किसकी बनाएंगे हम, टाउ नेट इज इक्वल टू 0, टाउ नेट इज इक्वल टू 0 की इक्वेशन बनाते हैं। चलो क्या बनेगी, कितने फोर्सेस हैं, 4। किसके अबाउट ले लें, किसके अबाउट ले लें, किसी के भी अबाउट ले सकते हैं आप, अच्छा एक और चीज, ये मास का रॉड कितना है, मास का रॉड 4 किलोग्राम, हाँ तो रॉड का मास कितना है, 4 किलोग्राम। दिवाली के टाइम उल्टी सीधी चीज निकल रही है, ये जो रॉड है इसका मास कितना है, 4 किलोग्राम। अच्छा जनरली ये जो मास होता है ये कहाँ पर लगता है, सेंटर पर, कहाँ पर लगता है, सेंटर पर। नॉर्मल रिएक्शन जरूरी नहीं हमेशा सेंटर पर लगे, याद रखना, नॉर्मल रिएक्शन सेंटर पर नहीं लगती है, लग भी सकती है परंतु हाँ अगर आपको कोई दिया हुआ है, जैसे आपको कोई लोड दिया हुआ है तो हम तो क्या करते हैं, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर कर लेते हैं, ठीक है, और ये ऐसे एमजी लगा देते हैं, बट नॉर्मल रिएक्शन जरूरी नहीं है कि इसके अकॉर्डिंग लगे, नॉर्मल रिएक्शन हो सकता है इधर भी लगे, हो सकता है इस तरफ लगे, ठीक है। अपन ने ऐसा क्वेश्चन किया ही नहीं, नहीं वो केवल दिखाने के लिए था, पर निकाला हमने उसका पोजीशन नहीं निकाला था, नॉर्मल रिएक्शन का पोजीशन भी निकलता है कितनी दूरी पर लगा है ये, ठीक है, जो कि अब थोड़े से जो क्वेश्चन होते हैं ये वाले क्वेश्चन अब कॉम्पिटिटिव लेवल के टाइप से हो जाते हैं, ठीक है, फिर भी मैंने आपको बताने के लिए यूँ बता दिया। तो आर वन प्लस आर टू और -60 -40, ठीक है, अब टॉर्क नेट 0 करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है, सबसे पहले तो 35, आ रही बात समझ में, टोटल 70 है, सॉरी 35 क्यों होगा, हाँ, एक मिनट, 10 इधर से कम करा तो कितना हो गया, 50, 50 का आधा कितना, 25, ठीक है, 30 तो वही और 25 हो जाएगा, अरे टोटल 70 है, ये कितना, 10 इधर से कम किया 60 हो गया, 10 इधर से कम किया कितना हो गया, 50 हो गया, तो ये दूरी कितनी है टोटल यहाँ से यहाँ तक की, 50, और 50 का आधा 25 पे लगेगा नहीं, ये 25 का है, हाँ तो वो लोकेशन ऐसी गलत बना दी, इसको 60 बना दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 25 है तो ये कहाँ पर कर दें अपन, ये 30 सेंटीमीटर, ठीक, वो पहले निकाला नहीं था ना हमने, कितने का मास है ये, 6 किलोग्राम 60, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमने पहले निकाला नहीं था, पहले हम क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि दूरी कितनी क्या आएगी, बस लटका दिया था, हैंग कर दिया था बस, अब जब न्यूमेरिकली निकाला तो पता चला कि ये उधर है, ठीक है। चलो सब सारी डिस्टेंस निकल गई, अब अबाउट ओ, ये ओ पॉइंट के अबाउट क्या कर लो आप, रिजॉल्व कर लो, मतलब इसको क्या कर लो, मोमेंट ऑफ मोमेंट निकाल लो, कपल निकाल लो, ठीक है, या फिर टॉर्क निकाल लो, तो हम निकाल लेते हैं अबाउट ओ, इसके अबाउट निकाल रहे हैं, ओ के अबाउट निकाल रहे हैं, आर वन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, टॉर्क ड्यू टू आर वन क्लॉकवाइज कैसा लेंगे, माइनस का, कितनी दूरी है उसकी ओ पॉइंट से, 25, समझे, तो क्या लिखेंगे, माइनस 25, सब सेंटीमीटर में ही है, तो क्या मीटर में कन्वर्ट करें, मीटर में सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो सारे आंसर फिर किस में आएंगे, न्यूटन में लाना है, न्यूटन में लाने के लिए मीटर में करना पड़ेगा ना, क्योंकि तो जी आपने कितना लिया है, जी तो मीटर में है ना, ठीक है, तो ये सब सेंटीमीटर को किस में करना पड़ेगा, मतलब ये 0.25 हो जाएगा, 0.25 मीटर, ये कितना हो जाएगा, 0.3 मीटर, 0.3 मीटर, और ये कितना हो जाएगा, 70 सेंटीमीटर वाला, ऐसा किसकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं, 0.7 मीटर, ठीक है, और ये 10-10 सेंटीमीटर वाले कितने हो जाएंगे, 0.1 मीटर, और ये भी कितना हो जाएगा, 0.1 मीटर, हालांकि इनकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं, कितना हो गया, -2,
माइनस 0.25, माइनस 0.25 कितनी दूरी पे, आर वन माइनस 0.25 इंटू फॉर्मूला क्या होता है आर वन, फिर ये इसका हो गया, अब इसका देख लो 40 का, फिर 60 का, फिर आर टू का, 40 कितना दूर है, 40 खुद जीरो पे ही है, जैसे अभी हमने बात की थी कि लगने वाले फोर्स जो होते हैं सेंटर से पास होने वाले वो सब टॉर्क कितना बनाते हैं, जीरो बनाते हैं, ठीक है। ये 60 कितनी दूर है सेंटर से, 0.3, अरे भाई 0.3 माइनस 0.5 होगा, ये कितना दूरी आएगा, इतना दूर है ना, ये नहीं आया समझ में, ये पूरा 0.3, ये 0.25, तो ये कितना होगा 0.5 ही होगा, 0.5 कैसे हो जाएगा फिर, 0.3 तो ये खुद है, 0.05 मीटर आएगा। इसका क्या लेंगे सर, माइनस, आप देखो ना डायरेक्शन, ये क्या करेगा, कैसा घुमाएगा, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज को माइनस, ठीक है। तो तुमने यहाँ पे क्या लिया था, ये था, ये तुम्हारा क्लॉकवाइज, और ये क्या है, ये वाला भी क्लॉकवाइज बन रहा था, ठीक है, क्लॉकवाइज। तो कितना होगा, माइनस 60 इंटू 0.05, फिर ये K2 का कितना होगा, अब ये कैसा घुमाएगा एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ से यहाँ तक का दूरी देखो कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक का दूरी निकाला था टोटल 50 था, तो ये 0.25 बनेगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, प्लस 0.25 कितना आएगा, 0.25 पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव 0.25 आर टू इज इक्वल टू क्या, जीरो, ठीक है। अब इसको माइनस वाले को उधर भेज दो तो ये प्लस चला जाएगा, तो 0.25 कॉमन ले लो, आर टू माइनस आर वन इज इक्वल टू 60 इंटू 0.05, ठीक है, ये गया यहाँ से दो पाँच दो बीस तीन, आर टू माइनस आर वन इज इक्वल टू 3/0.25 डिवाइड में ले लें तो जीरो, तो कितना हो रहा है, आर टू माइनस आर वन इज इक्वल टू कितना, 12, कुछ गड़बड़ करी सर, एक है ना, ये कितना हो जाएगा, आर टू माइनस आर वन इज इक्वल टू 12, कैंसिल होके, और बुक में क्या लिया है, एक्चुअली उन्होंने G9.8 लिया हुआ है, इसलिए उनके आंसर पॉइंट पॉइंट में लगभग आ रहे हैं। और उन्होंने जो वो किया है ना, इसका आपकी कौन सी एक्सिस, कौन से पॉइंट के अबाउट उन्होंने टॉर्क निकाला है, ये 60 वाले पॉइंट के अबाउट निकाला है, तो क्योंकि पॉइंट से तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इवन एक्चुअली जब बेस्ट मेथड विल बी किसके अक्रॉस निकालने का, आर वन से निकालो, आप किससे निकालो, आर वन से, अभी अपन उससे निकालेंगे, क्यों, क्योंकि आर वन जीरो मतलब आर वन के अक्रॉस निकालेंगे तो खुद आर वन कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एक वो चीज़ भी निकाल लेते हैं अपन, आर टू माइनस आर वन और आर वन माइनस आर टू दोनों को सॉल्व करना है आपको, ठीक है, आर टू प्लस आर वन इज इक्वल टू कितना, 100। ये इक्वेशन वन थी, और ये इक्वेशन नंबर आपकी जो भी आई थी ये टू, इन दोनों को सॉल्व करेंगे आप तो क्या मिल जा रहा है, आप आर वन कितना आ रहा था, आर वन ये दोनों कटते नजर आ रहे हैं, 112/2 मतलब कितना,
आर वन कट रहा है तो आर टू आ रहा है कितना 56 और आर वन कितना आ जाएगा 44, ये न्यूटन्स में नॉर्मल रिएक्शन हमारी आ जाएगी। ठीक है, ठीक है। मैकेनिकल एडवांटेज को कैसे बताते हैं, जैसे आपने देखा होगा पता है कि एक यहाँ पे पटिया, अगर यहाँ पे कोई एक चीज़ लगा दो और पटिए के उधर सामान रख के उसको ऊपर करो, मतलब किसी चीज़ को लिफ्ट करना है आपको, उठाना है, तो आप क्या करोगे, पटिया कितनी दूर लगाओगे? मान लो यही चीज़ सिचुएशन है, ठीक है, आपको ये सामान है इसको उठाना है, यहाँ पे क्या लगाना है, दम लगाना है, तो आप ये जो फलक्रम, इसको फलक्रम बोलते हैं जनरली, क्या बोलते हैं, फलक्रम, इसको कहाँ लगाओगे, यहाँ लगाओगे, यहाँ लगाओगे, यहाँ लगाओगे, कौन सी दूरी पर आपको सबसे अच्छा एडवांटेज मिलेगा? सर वो बैलेंस करने का है ना, बैलेंस नहीं, इसको क्या करना है, यहाँ पे ऐसा फोर्स लगाओ कि बॉल कहाँ चली जाए, ऊपर, तो पास तरफ करनी है, इधर किधर, हाँ नहीं, ये कहाँ लगाऊंगा, ये लेफ्ट, ये पहला, दूसरा, तीसरा, कहाँ पर लगाना चाहिए सर, पहले पे, फिर दूसरे पे, चलो देखते हैं कैसे, एक्चुअली इसको इससे देखते हैं अपन, ठीक है, ये कुछ ऐसी सिचुएशन है, ठीक है, अब अच्छा हमारा एक्चुअली में यहाँ पे फोर्स आपको निकालना है, यहाँ पे क्या है, निकालना है, अब मान लो इसको ऐसा बताया, एक्चुअली मैकेनिकल एडवांटेज को एक फॉर्मूला है, ठीक है, इसमें एक फोर्स, दो फोर्स ऐसा लगाया, अब इसका आर आर पॉइंट क्या, अबाउट क्या निकालो, कपल निकालो, ठीक है, टॉर्क निकालो, तो कितना हो जाएगा, इक्वेशन क्या बनेगी, इसमें लगने वाले फोर्स कितने, पहली इक्वेशन तो क्या बनेगी, एफ वन प्लस एफ टू, ये नीचे लगने वाले एफ वन प्लस एफ टू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा, ठीक है, सब कर दिया माइनस प्लस इधर से उधर, ठीक है, और एक इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये तो क्या, ये किसकी इक्वेशन होगी, एफ नेट इज इक्वल टू जीरो की, टाउ नेट की इक्वेशन क्या होगी, पहले आर के अबाउट अगर करें तो आर तो जीरो हो जाएगा, आर क्या हो गया जीरो, एफ वन कितना दूरी पर है, डी वन कैसा घुमा रहा है, एंटी क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉक वाइज मतलब पॉजिटिव, एफ वन इंटू डी वन, आ रही बात समझ में, और दूसरा वाला कितना हो जाएगा, वो कैसा घुमा रहा है, क्लॉक वाइज, तो माइनस एफ टू इंटू डी टू इज इक्वल टू कितना, जीरो, तो एफ वन इंटू डी वन इज इक्वल टू एफ टू इंटू डी टू, समझ में आ रही बात, तो यहाँ से अगर मैं एफ वन अपॉन एफ टू को एक कर दूँ, डिवाइड में ले आऊँ, तो क्या ये डी टू अपॉन में डी वन हो जाएगा, हो जाएगा, इसी चीज़ को ही क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एडवांटेज, इसी चीज़ को ही क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एडवांटेज, ठीक है, मैकेनिकल एडवांटेज, ठीक है, तो D1 को एक्चुअली यहाँ पर बताया जाता है, इसको लोड आर्म कहा जाता है, इसको क्या बोला जाता है, लोड आर्म, ये बोलते हैं इसको लोड आर्म, इसको बोलते हैं एफर्ट आर्म, इसको क्या बोलते हैं, एफर्ट आर, एक्चुअली ये इनपुट इधर से लगा रहे हैं, ठीक है, ई डबल एफ ओ आर टी, एफर्ट आर्म, ठीक, उसके बाद फिर इसमें एक और इसको बोलते हैं लोड, एफ वन को क्या बोलते हैं, लोड, मतलब आपका कितना वजन को आपको क्या करना है, उठाना है, लिफ्ट करना है, एक्चुअली यहाँ तो नीचे जा रहा है, आपको ऊपर भी कर सकते हो, माइनस साइन लगा देना, ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, एफर्ट, आपने कितना एफर्ट लगाया, क्या बात समझ में आ रही है, नहीं आया, ठीक है, अब हमारी सिचुएशन के हिसाब से क्या है, देखो ये एक इधर और एक इधर, आपको लोड को किधर उठाना है, ऊपर, ये एफ वन ले लो, इसको क्या ले लो, एफ टू ले लो, तो क्या बनेगी, सारी इक्वेशन सेम रहेगी, सब कुछ वही रहेगा,
ना दोनों एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे, इसीलिए यहाँ पे एक माइनस साइन आएगा, क्या आएगा? माइनस साइन आएगा, ठीक है। माइनस साइन तो कहीं भी लगा दो, अल्टीमेटली सुनो आपको F2 निकालना है, तो F2 का फॉर्मूला क्या होगा? F2 इज इक्वल टू F1 इंटू D1 अपॉन क्या? D2 आएगा। यहाँ से F2 इज इक्वल टू क्या होगा, ठीक है? आपको क्या चाहिए, F2 का चीज क्या चाहिए? ज़्यादा चाहिए। F2 क्या चाहिए? ज़्यादा, मतलब आपको सॉरी एफर्ट कम लगाना है। यहीं से देख लो एफर्ट क्या है, कम लगाना है। ज़्यादा लगाना चाहते हो, कम लगाना चाहते हो? एफर्ट कम लगाना चाहते हो, ठीक है। एफर्ट कम कब लगेगा, जब D2 बड़ा होगा कि छोटा होगा? बड़ी वैल्यू रखोगे तो डिवाइड 10, 20, 30 से नहीं करोगे? इतना दिमाग नहीं चलता तुम्हारा? डिवाइड में, ये डिवाइड में बड़ा नंबर रखोगे तो आंसर छोटा नहीं हो जाएगा, ठीक है? तो D2 क्या होना चाहिए, D2 क्या होना चाहिए? स्मॉल होना चाहिए। मतलब ये कहाँ पर होना चाहिए, पोजीशन वन पर होना चाहिए। उस डायग्राम को उधर से पलट के देखें तो मतलब D2 छोटा होना चाहिए, तो एक्चुअल में लगना किधर चाहिए? ये ऐसा एकदम कॉर्नर पे तो तुम लगाओगे नहीं, बहुत कॉर्नर पे तो फिर तुमको एकदम से सर वही आ जाएगा, कॉर्नर ही आ जाएगा, ठीक है। वहाँ पे रख के ऐसा कुछ प्रेशर लगा दो तो आराम से चीज़ें लिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। नहीं तो देखो तुम यहाँ पे लगाओगे और बहुत बड़ा भारी सामान लगाया तुमने, सामान जैसा नहीं कि बॉल जैसा उठाना है, बहुत ज़्यादा भारी है। तुम खुद करके देख लेना एक्सपेरिमेंट, पटिए के ऊपर 100 किलो तक का सामान रख लेना, है ना? तो तुम उसको उठा पाओगे अपने वजन के हिसाब से, मतलब उसको प्रेस करोगे तो वो चीज़ लिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। इसीलिए इसको मैकेनिकल एडवांटेज बोला जाता है, ये फॉर्मूला F1 अपॉन F2। F1 क्या है यहाँ पर, आउटपुट। F1 क्या है यहाँ पर, आउटपुट। और F2 क्या है यहाँ पर, इनपुट। तो इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि F आउट अपॉन F इन, ठीक है। आउटपुट, अच्छा ये रेशो ज़्यादा चाहिए कि कम चाहिए? एफ आउट अपॉन एफ इन का रेशो क्या चाहिए, ज़्यादा चाहिए कि कम चाहिए? ज़्यादा ही चाहिए कि इनपुट कम दो और आउटपुट क्या है, ज़्यादा मिल जाए, मतलब ऊपर ज़्यादा चाहिए नीचे कम चाहिए। तो ये रेशो हमारा क्या होना चाहिए किसी भी चीज़ को लिफ्ट करने के लिए, ये ज़्यादा, ठीक है। वो कब अचीव होगा कि आप D2 का दूरी जितना पास लगाओगे उतना अचीव आपका हो जाएगा, ठीक है। एकदम जीरो तो कर नहीं सकते हो, एकदम जीरो कर दोगे, मान लो तुमने D2 कितना कर दिया, चिपका ही दिया उधर, तो फिर उठाओगे कैसे? जगह तो कुछ बचेगी नहीं ना। वन वाले ही है ना, अरे वो पलट के कटा दिया, हमारे हिसाब से ये F2 है ना, हम एफर्ट किधर लगा रहे हैं, ये F2 और ये उधर, उसमें एफर्ट उधर लगा है, ठीक है। या पूरा ही पलट देता हूँ मैं, पूरा पलट देता हूँ तो थ्री थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, पूरा ही पलट देता हूँ तो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब एफर्ट किधर लगाया मैंने, इधर लगाया, तो चीज किधर जाएगी, ऊपर जाएगी, ठीक है। वो शुरू में मैंने ऐसा बताया, बुक में ऐसा दिया था, फिर बुक के हिसाब से डायग्राम आपको मैंने वो बता दिया, इसको मैकेनिकल एडवांटेज बोलते हैं। क्वेश्चन दिया है 7.9 में, एक 3 मीटर की लॉन्ग लेडर है वेइंग 20 किलोग्राम, ठीक है। ये एक लेडर है दीवार से लगी हुई है, 20 किलोग्राम की लेडर दे रखी है, कितने की, 20 किलोग्राम की, ठीक है। एंड लीन ऑन अ फ्रैक्शनलेस वॉल, ये वॉल कैसी दे रखी है आपको, ये एक वॉल है, ए वॉल का एक हिस्सा फ्रैक्शनलेस दे रखा है, दिस वॉल इज फ्रैक्शनलेस। हाँ मतलब ये वॉल पूरी फ्रैक्शनलेस है, यहाँ पे ये फिसल सकती है, ठीक है। इट फिट्स रेस्ट ऑन अ फ्लोर 1 मीटर फ्रॉम अ वॉल, ये इसके पैर जो है ये वॉल से कितनी दूरी पर है, 1 मीटर की दूरी पर है। हरी बात समझ में, जैसा कि आपको डायग्राम में बताया गया है। फाइंड द रिएक्शन फोर्स ऑफ द वॉल एंड फोर्स, फाइंड रिएक्शन फोर्स ऑफ वॉल एंड, रिएक्शन फोर्स ऑफ वॉल एंड द फ्लोर, वॉल का और फ्लोर का क्या निकालना है आपको, रिएक्शन फोर्स निकालना है,
अच्छा, ये सीढ़ी क्या है यहाँ पर? फ्रिक्शनलेस, मतलब ये दीवार कैसी है? फ्रिक्शनलेस। दीवार को फ्रिक्शनलेस बनाने का कारण इसीलिए था कि ये फ्रिक्शनलेस होगी। मतलब क्या है, यहाँ से सीढ़ी फिसलेगी, यहाँ से सीढ़ी क्या होगी, फिसलेगी और ये आगे जाएगी, इसीलिए उसको फ्रिक्शनलेस दिया है। अगर ये खुद भी फ्रिक्शन का होता तो सीढ़ी जम जाती है अपनी जगह पर। हालांकि वो फिसलती डिपेंड करता लोड कितना फिर तुम डालते उसके ऊपर। ठीक है, हर टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इसमें। अभी तो ये फ्रिक्शनलेस देने का कारण उसका यही था कि अब यहाँ से क्या है, ये फिसलेगी। आपको क्या निकालना है कि नॉर्मल रिएक्शन निकालना है। अभी मतलब ये पहली बार ही क्वेश्चन देख रहे हो इस टाइप का आप। नॉर्मल रिएक्शन इस टाइप के क्वेश्चन में अभी पहले किया नहीं था, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, देखो कौन कौन फोर्स लगाएगा, क्या इधर फ्रिक्शन लगेगा, क्या फ्रिक्शन हमेशा किस समय किस तरफ लगता है, अपोजिट तरफ, है ना। ये क्या करेगा, ये सीढ़ी किधर जाएगी, इधर की तरफ जाने की कोशिश करेगी। ठीक है ना, ये सीढ़ी फ्रिक्शनलेस होने के कारण नीचे फिसलेगी, इधर आएगी, तो फ्रिक्शन किधर लगने लगेगा, फ्रिक्शन लगने लगेगा इधर। आया कि नहीं बात समझ में? ठीक है, ये सीढ़ी नीचे खसकेगी, अगर फ्रिक्शन होता तो फ्रिक्शन किधर लगता, ऊपर, इधर होता तो मैं ऊपर ले लेता, परंतु अभी फ्रिक्शनलेस है इसलिए मैं फ्रिक्शन को नहीं लूंगा। चलो, एक तो फ्रिक्शन फोर्स ही आया, पहले फोर्स तो बता करें कौन कौन से हैं। नॉर्मल रिएक्शन हमेशा परपेंडिकुलर लगेगी, तो ये दीवार, तो लेटर से एक नॉर्मल रिएक्शन ये वाली लगेगी। इस नॉर्मल रिएक्शन को क्या बोल दिया है आपने, F1। कोई दिक्कत? ये नॉर्मल रिएक्शन F1 है। ठीक है, और ये वाला पॉइंट क्या होगा, ये वाला पॉइंट, ये जो अपना है जमीन है, ये वाला पॉइंट भी क्या लगाएगा, इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ये कौन सा फोर्स लगाएगा लेटेस्ट से, ये F2। ठीक, जमीन फ्रिक्शनलेस नहीं दी है आपको, केवल वॉल फ्रिक्शनलेस दी है। अगर जमीन फ्रिक्शनलेस होती तो फिर तो दोनों फिसल ही जाता पूरा ही। ठीक है, इक्वेशन जरूर बन जाती है आपकी। ठीक है, आप रखते से ही क्या हो जाता, वो गिर जाता। तभी एक तरफ से फ्रिक्शन है तो थोड़ा बचा भी रहा है वो। ठीक है, तो हालांकि आपको तो क्या करना है, रिएक्शन फोर्सेस निकालनी है। F1 और F2 आपका क्वेश्चन मार्क है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, जो हमें मतलब अल्टीमेटली फाइंड करना है, F1 नहीं, अच्छा वॉल का जो, ये चीज और समझो, यहाँ पर जो नॉर्मल रिएक्शन बनेगा, यहाँ पर जो नॉर्मल रिएक्शन बनेगा फ्लोर का, वॉल का तो ठीक है, ये वॉल है, वॉल का तो कितना है F1, जो फ्लोर का नॉर्मल रिएक्शन जो बन रहा है एक्चुअली, वो दो चीजों का नेट रिजल्ट है। यस, F2 और फ्रिक्शन फोर्स, क्योंकि ये दोनों लगेंगे ना, उन दोनों का कुछ नेट रिजल्ट रहेगा, नॉर्मल रहेगा। ये बात समझ में आती कि नहीं आपको? मतलब जो F2 रहेगा वो क्या होगा हमारा, द फोर्स F2 इज रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट। अगर मैं इसको पहली बार में कितना ले लेता, मान लो एक ले लेता N, मान लो नॉर्मल डायरेक्शन कितना लिया मैंने, आपको बुक में ऐसा भी बताया कि उसने कैसा ले लिया, नॉर्मल डायरेक्शन कैसा ले लिया, N, हाँ बीच में आड़ा ही लिया है। ठीक है, हाँ इसने F2 आड़ा लिया, इसने बदल दिए बेटा, ऐसे दो चीजों को बदल दिया है। ठीक है, ये मान लो ये F2 है, हमें ये, इसने F2 दिया है, ये क्या है, ये F2 ले लिया, ये इसलिए वही बता तो रहा हूँ, ये रिजल्टेंट है, और ये N, और ये कितना फ्रिक्शन। तो किसी चीज का रिजल्टेंट कुछ एंगल पे होता है कि नहीं होता है? F2 क्या है, नॉर्मल रिएक्शन है, नॉर्मल रिएक्शन दोनों के मिल के कारण आ रही, एक तो ये आ रहा है। आपको क्या निकालना था, नॉर्मल फोर्स किसके कारण, वॉल और फ्लोर के कारण। अब ये जो फ्लोर है, इसमें एक तो फ्रिक्शन इधर से खींच रहा है और नॉर्मल किधर से खींच रहा है, इधर पे, तो फ्लोर पे टोटल नेट रिएक्शन कितना हो जाएगा, ऊपर का मतलब जो F2 है, इसको अपन ने टोटल फोर्स बोला है, F2 क्या होगा, F2 विल बी कितना होगा, F2 विल बी ड्यू टू नॉर्मल फोर्स प्लस फ्रिक्शन। नहीं आया, दोनों के कारण होगा। F2 एक रिजल्टेंट है, मतलब कुछ इस तरीके से बताया आपको कि एक फोर्स आपका इधर फ्रिक्शन लगेगा और एक किधर है नॉर्मल। आ रही बात समझ में? तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या बनेगा, कुछ इधर कुछ बनेगा F2, या इधर बन सकता है, आपको क्या पता किधर बनेगा, पता है क्या? नहीं पता है। तो
तो इसीलिए उसको एक ऐसा दिया हुआ है अलग से कि ये कौन सा फोर्स बनाया है, एफ टू, वो क्या है, दोनों का रिजल्टेंट। समझ में आया? तो आप क्या निकाल लोगे कि भैया अपने को तो नॉर्मल डायरेक्शन पता है कि नॉर्मल डायरेक्शन ऊपर लगता है, तो बस वो निकाल के आंसर दे दोगे। परंतु ये यहाँ पर दो चीज़ें इन्वॉल्व है, एक खुद ये और एक सीढ़ी, ये इधर खींच रहा है, हाँ मतलब ये फ्रिक्शन फोर्स इधर, और कुल मिला के सीढ़ी के ऊपर दो फोर्स लग रहे हैं, फ्रिक्शन इधर खींच रहा है और दीवार उसको ऊपर लगा रही है, तो नेट कितना बनेगा, फ्रिक्शन और ऊपर लगने वाले दोनों के फोर्स के कारण बनेगा। इसीलिए F2 इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, फोर्स ड्यू टू n और ड्यू टू फ्रिक्शन। अच्छा, अब इसी चीज़ को अपन कैसे निकालते, दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों वेक्टर क्वांटिटी और दोनों परपेंडिकुलर है, तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, अंडर रूट ऑफ, मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, F2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ फ्रिक्शन फोर्स को F ले लेंगे, F स्क्वायर प्लस, नहीं आया, आया समझ में? और यहां से एंगल भी मिल जाएगा, F फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है, इसको कितना ले लिया आपने, F, मतलब ये कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई है, ये फ्रिक्शन, ये आपका फोर्स F2 जो कि ये नॉर्मल रिएक्शन और ये फ्रिक्शन फोर्स के साथ कुछ कितना एंगल बना रहा है, अल्फा एंगल बना रहा है, नहीं आया समझ में? ठीक है, अपने को एंगल भी तो निकालना पड़ता है, वेक्टर क्वांटिटी कि कितने एंगल पे लग रहा है और कितना मैग्नीट्यूड है, तो F2 तो आपको पता चल गया कि F स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर आएगा, अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, टेन अल्फा निकाल लें, यहाँ परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये एन है तो ये भी कितना हो जाएगा एन, और ये कितना हो जाएगा F, तो tan अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan इन tan अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, n अपॉन में f, नहीं आया बिल्कुल, पक्का? चलो, तो मतलब आपको अल्टीमेटली क्या निकालना है, n निकल जाएगा और f निकल जाएगा, तो अल्फा निकल जाएगा। इक्वेशन बना ले सभी की, अभी खेल खत्म नहीं हुआ है, ये तो हमारा था जो हमें फाइंड करना है, ठीक है, मतलब अल्टीमेटली आपको F2 यहाँ से निकल जाएगा, F2 का मैग्नीट्यूड निकल जाएगा, यहाँ से क्या निकल जाएगा, इसका एंगल निकल जाएगा, और बाकी जो बची कुची इक्वेशन से ये F1 भी फाइंड करना है आपको, F1 क्वेश्चन मार्क है हमारा, और क्या क्वेश्चन मार्क है, F2 क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। तो F2 एक नेट है, एक रिजल्टेंट है, किसका रिजल्टेंट बन रहा है, फ्रिक्शन फोर्स, और जो नॉर्मल रिएक्शन लग रही है दीवार इस पर लगा रही है, तो दोनों मिलकर कितना रिएक्शन फोर्स लगा रहे हैं, F2, ठीक है। चलो निकालो, कैसे निकालेंगे, सिस्टम किसमें है, इक्विलिब्रियम में, सिस्टम किसमें इक्विलिब्रियम, कोई छेड़छाड़ नहीं हो रही, कोई किधर से खींचा खाची नहीं हो रही, बस पड़ा हुआ है जैसा कैसा, मतलब आपका क्या होगा, नेट फोर्स जीरो, नेट टॉर्क जीरो, इक्वेशन लग जाएगी, किसी भी एक एक्सिस के अबाउट क्या कर लेना, वो कर लेंगे टॉर्क निकालने के लिए, अभी तो ये तो निकाल लें, किसी को भी ले लेना, इसको ले लेंगे खत्म हो जाएगा, चलो अभी तो लो इसको तो निकालो, जो है नेट फोर्स कितना होगा, नेट फोर्स जीरो करेंगे, तो एफ नेट जीरो करो, कितनी इक्वेशन बनेगी बताओ, एन, एन किधर है, ऊपर हरी बस समझ में, एफ नेट में आप पता है एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, एफ वाई इज इक्वल टू जीरो और एफ जेड इज इक्वल टू जीरो, ऐसा करते थे याद है कि नहीं, पर अल्टीमेटली यहाँ पर देखो एफ एक्स, एक्स में लगने वाले फोर्स कौन कौन से हैं, एक तो फ्रिक्शन फोर्स है और एफ वन, x क्या होता है, ऐसा होता ना, लेटा हुआ, लेटे हुए फोर्स कौन से, फ्रिक्शन और ये F1, ये उधर वाला नेगेटिव होता है, इधर वाला क्या होता है, पॉजिटिव, तो इक्वेशन क्या बनाओगे, F माइनस F1 इज इक्वल टू जीरो, नहीं आया, F माइनस F1 इज इक्वल टू जीरो, अपन तो कंबाइन ही करते थे याद है, अपन अलग अलग नहीं बनाते, फिर भी इसमें x और y का बता रहा हूँ मैं, याद आ गया तो, नहीं तो अपन तो कंबाइन करते थे, दूसरे भी भाई मतलब एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई इक्वल टू एफ जेड तीनों बराबर ही आते थे, अपन तो एक ही इक्वेशन बनाते थे, दो का बनाते थे, आज तो बना ही क्या, ये एक्स एक्सिस की बन गई, वाई एक्सिस की क्या बनेगी, इसी में रख देंगे, मतलब बना लो, अब ये ऊपर एन है, ऊपर एन है, और ये सीढ़ी का मास भी तो रहेगा, ये सीढ़ी नीचे कितने किलोग्राम की है भाई, इसको बैलेंस कौन करेगा, एन रख दोगे तो नीचे कौन बैलेंस, नहीं तो हवा में ऊपर नहीं चली जाएगी वो, 20 किलोग्राम की तो कितना,
20 है ना, जी कितना रखें, बुक वाला 9.8 रखता है, अपन 10 रख लो, ठीक है, तो कितना हो जाएगा सीधे यहाँ, तो एन का वैल्यू कितना हो जाएगा, 200 आ जाएगा, ठीक है, नहीं आया, एन डायरेक्ट 200 आ गया, 20 इंटू जी, जी कितना 10, ठीक है, मतलब ये जो आपका रखा ना 200, ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला बराबर हो गया, n इज इक्वल टू 200। चलो एक n का तो पता चल गया, अब बाकी पता नहीं चलेगा, एक इक्वेशन हमने, फोर्स की इक्वेशन आसान होती है तो वो बन गई, अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसका इक्विलिब्रियम निकालना पड़ेगा, मतलब वो टॉर्क वाली इक्वेशन बनानी पड़ेगी, तो किसके अक्रॉस करना चाहते हैं, अबाउट ए पॉइंट के अबाउट ले लें, ये वाला ए पॉइंट दे दें, इस पॉइंट के अबाउट क्या कर लो, एफ नेट तो अपन ने जीरो हो गया, अब क्या कर लेते हैं, टाउ नेट, टाउ नेट इज इक्वल टू जीरो, और अबाउट ए क्या कर लेते हैं, इसको हम निकाल लेते हैं, ठीक है, अबाउट ए, चलो निकालो, यहाँ के तो सारे खेल खत्म, क्योंकि एन बी इससे पास, एफ टू बी इससे पास, एफ बी इससे पास, तीन चीजें यहाँ पर क्या हो गई, खत्म, ठीक है। अब यहाँ पे कितने पाए जाने वाले फोर्स हैं, कितने पाए जाने वाले फोर्स हैं, बस यही तो खेल है, अब यही तो खेल है कि कैसे करेंगे इसको, पाइथागोरस थ्योरम आती है, अच्छा सीढ़ी की लेंथ कितनी है, 3 मीटर, पहले सब चीजें लिखो, सीढ़ी कितने की है, 3 मीटर की, ठीक, ये कितने की है, 1 मीटर की, तो इसकी हाइट कितनी होगी दीवार की, 3 × 9 − 1 √2, नहीं आएगा, आएगा की, अब लिख के बताओ, एक एक चीजें बचपन में लिखते थे ऐसे, 3 है तो ये 1.5 और 1.5 होगा, नहीं आ रहा, ये 1.5, और ये कितना, ये भी समझ में आया, ये पूरा 3 था तो ये 1.5 1.5 है, अच्छा ये 200, अच्छा F1 का अगर आप निकालोगे, ठीक है, F1 के द्वारा कितना आएगा बताओ मुझे, F1 का बताओ वैल्यू किस कितना आएगा, इस एक्सिस के अबाउट क्या कर रहे हैं आप, वो कर रहे हैं, तो F1 क्या करेगा, कैसा घुमा रहा है, सीधे ही दिख रहा है आपको, एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज क्या लेते हैं अपन, प्लस, तो फोर्स तो मैं F1 ले लूंगा, पर इसकी परपेंडिकुलर दूरी कितनी आएगी, ये कोई बता सकता है, फोर्स F1 की परपेंडिकुलर दूरी लेनी पड़ती है, ऐसा नहीं कि यहां से यहां तक का दूरी सर ये 3 ले लो, नहीं है बस समझ में, इसीलिए क्वेश्चन लिया है, 2√2 क्यों, 2√2 कहां ऑफ क्यों हुई, 2√2 का आधा तो यहां पे होगा, यहां पे लग रहा है क्या वो भैया, ये फोर्स को क्या है, यहां से निकालना है परपेंडिकुलर दूरी, अगर तुम यहां से यहां निकालते हो ये तो पैरेलल दूरी हो जाता है, नहीं समझे, है ना, फिर यहां से देखो यार सुनो, ये फोर्स की दूरी निकालनी है, अब हाइट ये पूरी लाइन यहां तक आएगी, तो यहां से यहां तक की दूरी निकालो, यहां से यहां तक की, 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 सब बराबर तो है, नहीं समझे, हाइट तो हाइट है ना यार, मैं डंडी कहां पे भी लगाऊं, दीवार तो एक जैसे चल रही है, कैसा भी स्केल लगाऊं, मैं बोलूं हाइट निकाल दे तो तुम बोलो है कि नहीं इधर की हाइट अच्छी इधर की ज्यादा, एक जैसी तो है, मतलब ये जो हाइट है 2√2 यही तो हाइट है परपेंडिकुलर दूरी, मैंने क्या बोला हमेशा कैसा बनना चाहिए, ऐसा बनना चाहिए, नहीं समझे, इस चीज में समझ में आता है आपका कि टॉर्क में जो परपेंडिकुलर दूरी होती है वो ऐसे लेना पड़ती है, तो क्लियर हुआ, तो कितना होगा, F1 तो ले लोगे क्लॉकवाइज आ रहा है इसलिए प्लस, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है इसलिए प्लस, और 2√2, नहीं समझ में आया, चलो समझ में आ गया, तो फिर 200 का बताओ क्या होगा, सर 200 का दिमाग लगाओ कितना होगा, सेंटर में ही आएगा वो, सेंटर में सीडी में 1.5 का, मतलब ये 1 का आधा, नहीं समझे, ये पॉइंट किधर आएगा, नीचे आएगा,
परपेंडिकुलर दूरी ये बनेगी ये नहीं बनेगी, ठीक है, जिधर एफ आ रहा है, अरे वहाँ तक की क्यों लोगे, यहाँ तक की लोगे ना, ये फोर्स तो यहाँ पे वन मीटर का आधा, नहीं समझे, कैसा घुमा रहा है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज प्लस की माइनस, माइनस वन बाय टू इंटू कितना है 200, ठीक है, सॉल्व करने पे कितना आएगा, इज इक्वल टू कितना, जीरो। अच्छा आप चाहते तो कहीं से भी रिजॉल्व कर सकते थे, मतलब कहीं से भी किसी भी एक्सिस के अबाउट निकाल सकते थे, पर यहाँ से कितनी चीज़ें जीरो होगी, एन गया, एफ टू गया, ये फ्रिक्शन फोर्स गया, ठीक है। अच्छा अगर वो बोलता है कि फ्रिक्शन फोर्स निकालो तो फिर उसको जाने नहीं देते, अगर तुम वहाँ फ्रिक्शन फोर्स से निकाल ले तो फिर वो एफ इज इक्वल टू एम जी कुछ और भी इन्फॉर्मेशन देता, म्यू देता आपको, ठीक है, म्यू एम जी वगैरह इक्वेशन और वो बनती। हाँ तो ये बस यहाँ पे अभी तो बोल दिया एफ1 निकालो कितना आ जाएगा, एफ1 इज इक्वल टू 25√2 आ गया, 25√2 बुक में कितना दिया हुआ है उन्होंने, F1 का वैल्यू 25√2 मतलब 34.6 दिया है, आपका कितना आ रहा है 25√2 सॉल्व करेंगे तो, क्योंकि उन्होंने 9.8 लिया है, ठीक है, बाबा आंसर भी तो देख ले, कुछ गलत तो नहीं आ रहे हैं, कुछ गड़बड़ होगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना, 35.35